অসমত 12খন পরিণাম কে দিন দেখ লেনা দেখত 400 পার নির্বাচনত বিজেপির বিজয়ক লৈ ডাঙৰ বক্তব্য অমিত শাহৰ 400 পার কা আপকা নারা হ্যায় 370 ভারতীয় জনতা পার্টি তো ক্যা গাড়ি পটরি পে হ্যায় কহিং এসা তো নেই কি কুছ রেল পটরি সে উতর পটরি পে হ্যায় জি আপ পরিণাম কে দিন দেখ লেনা নিউজ 18 এর গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল জোশীর হতে হওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর এই ভবিষ্যৎবাণী তো মুঝে 400 পার কে লক্ষ্য মে কোই দিক্কত নেই দিখাই পড়তে অসমত 12খন আসন পাব বিজেপি মিত্রজোটে आसाम में भी 12 के ऊपर चले जाएंगे 12 भी हो सकते थके थकिले भारत को वृद्धि पाव पारे आसन संख्या एक्सक्लूसिव साक्षात्कार अमित शाह कय परिणाम के दिन देख लेना 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री 4 जून दुपरिया 12:30 बजार आगते एनडीए 400 आसनर सीमा पार कर और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री हम हमारी पार्टी की टीम ने मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है हो जो दूसरा पर्याय निर्वाचन एखरो अधिक आसन लाभ करिबो बोली मंतव्य करे अमित शाह हम 2 चरण में 100 पार कर 100 से भी कई अधिक सीटें जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं 3रे चरण में তারিখ পাৰৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো কোনো সমস্যাই নহয় বুলি কয় অমিত শাহে তো মুঝে 400 পাৰ কে লক্ষ্য মে কোই দিক্কত নেহি দিখাই পড়তি ইয়াৰ লগতে মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড জম্মু কাশ্মীৰ গুজৰাট কৰ্ণাটকত 100% আসনত জয়লাভৰ দাবী অমিত শাহৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড জম্মু কাশ্মীৰ দিল্লী গুজৰাট কৰ্ণাটক हम 100% रिपीट करें उत्तर प्रदेश और राजनीतिक प्रेक्षापटक लयो मंतव्य अमित शाह उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे उत्तर प्रदेश 5 से 7 खन लय आसन वृद्धि होबो पारे সকলো ঠিকে থাকিলে 80 খনৰ ভিতৰত 80 খনই লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰে শাহে सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 भी जीत सकते इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे अखिलेश जी को डिंपल को मैनपुरी में हराएंगे उनकी पूरी फैमिली फिरोजाबाद आजमगढ़ मैंने संभावना कहा है कि हम 80 की 80 कर सकते हैं अमित शाह दाबी उड़ीसा खुल्लर आखे पाखे आसन पाबो उड़ीसा हम 16 के आसपास जा सकते हैं पश्चिम बंगत अति कमे 30 खन आसन पाबो बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीतेंगे अमेठी और रायबरेली कांग्रेस प्रार्थी त्याग राहुल गांधी प्रियंका गांधी समालोचना अमित शाह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप देखिए ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे हैं अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है राहुल गांधी प्रियंका गांधी आत्मविश्वास हेरुआसे मंतव्य अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था ये कंफ्यूजन जो है कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है लक्षणीय भावे केरला और तमिलनाडु के धोरी दक्षिण भारत एक बार बीजेपी कांग्रेस को अधिक आसन पा दावी करे अमित शाह साउथ के चारों राज्यों को मिलाकर हम कांग्रेस से तो आगे ही जाएंगे कुल मिला के कितनी सीटें क्या केरला तमिलनाडु में खाता खुलेगा हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी खाता तो निश्चित रूप से खुलेगा परंतु सीटों का अनुमान लगाना वहाँ इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी न्यूज डेस्क न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए